एडीजी जोन अखिल कुमार द्वारा कंट्रोल रूम एवं डायलेक्ट सुबारा कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया, जिसके संबंध में एडीजी अखिल कुमार ने बताया कि जनपद में त्रिनेत्र अभियान के तहत कैमरा लगाया जा रहा है, जिसको देखते हुए कंट्रोल रूम में किस प्रकार का डिफरेंट कैमरा लगाया जा रहा है, डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है, उनकी कनेक्टिविटी और सॉफ्टवेयर कैसे मैनेज करेगा, इन सब चीज़ों पर वेंडर टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा एवं विचार किया गया। उन्होंने कहा कि जनपद में त्रिनेत्र के तहत लगातार कैमरा लगाया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण और शहर क्षेत्र में 450 से ऊपर चौराहे चिन्हित किए गए हैं, जहां पर कार्य योजना चल रही है और अभी तक 125 चौराहों पर 250 के करीब कैमरे लग चुके हैं। इसी कार्य को तेजी से करने के लिए विचार विमर्श किया गया। निरीक्षण के दौरान एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, ऑपरेशन त्रिनेत्र प्रभारी संतोष कुमार अवस्थी, RI हरिशंकर सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी अखिल कुमार ने कहा, दोनों में क्या आप बता रहे थे, क्या अंतर है, क्या दोनों किसमें क्या अच्छा है, किसमें क्या ठीक है? दोनों पहले चला लेते हैं, आधा आधा चल सकता है क्या? हाँ हाँ हाँ, सीपी चले उधर, दोनों दोनों बिल्कुल, दोनों साइड में आप जहाँ भी घूमें दोनों आधा आधा चल जाएगा। हमारे में लगा क्या? ये सब दो कैमरे हैं, अभी जहाँ बाहर है ना, ये कहाँ से अपने कहाँ से लग गया है, ये यही लगा करके हमने इससे अटैच कर अटैच कर दिया। बढ़िया, तो एक ये हाई फोकस चल रहा है सर, और ये चल रहा है सीबी प्लस चल रहा है। बेटर है सर, ये बेटर है, ये वाला बेटर, रेजोल्यूशन इसका बेटर है, इसमें थोड़ा बहुत अच्छा चल रहा था, ये डल हो रहा है बीच बीच में, पता नहीं कैसे। चलो कोई नहीं, दूसरा कैमरा दिखा दो जहाँ इसका लगा। नहीं, इनका भी सर और अभी नहीं कनेक्ट नहीं है, चल रहा था सर अभी तक, अभी आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं इसकी, सर इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, वही चाहिए था। सर ये देखिए, ये रिकॉर्डिंग है, बस के 7 मिनट है, दूर के भी जाओ तो इसका रिजोल्यूशन इससे बेटर है सीपी से, मतलब इसमें आप देखो यहाँ क्या है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ वो सर, हाई फोकस हो गया बड़ा, मैं नहीं जानता किसका किसका लिखा है, महिलाएं हैं देश की शान, उनके पति सदैव अगले डिजिटली जो कुछ करते हैं तो ब्लड होने लगता है, ब्लड है उसमें शार्पनेस है, वो ब्राइटनेस जरूर कम से कम करना है, जरूर ना सेट जो करना है, आप ठीक हो गया, ये महिला है देश की, दिख रहा है सर, एज लॉन्ग एज जिसका क्वालिटी में है दूसरा ठीक है। एक तो बात ये हो गई सर, है ना, अगर आपका ये क्वालिटी में सही रहता इसको एक बार दिन में और दिखा सर, वही मैंने कहा था कि और लाइव तो इधर आ गया, ये तो सही रहा है, आप सभी जो प्रमुख चौराहे बच गए हैं, तो नहीं कर सारे इसके लिए चाहिए ना, जो फैसिलिटीज देखें बहुत अच्छी, तो दो दिन पूरे हो गए हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, इसके पास हो जाएगा, मैं अभी आज बाकी हर घर कैमरा चला, छोटी मोटी गलियाँ वाली हैं, को निरीक्षण किया गया है।
देखिए त्रिनेत्र अभियान में कैमरा लग रहे हैं और इसका हमारे यहाँ कंट्रोल रूम बना है। कंट्रोल रूम में किस प्रकार डिफरेंट कैमरा जो लग रहे हैं उसका डिस्प्ले कैसा आ रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, उनकी कनेक्टिविटी इशू क्या है, उसमें सॉफ्टवेयर कैसे मैनेज करेगा उस पूरे विषय को, इन सब चीज़ों पे चर्चा विचार विमर्श करने के लिए हम लोग आए थे, जिसमें जो वेंडर्स थे वो थे हमारे, जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे, हमारे RI थे, वो लोग सभी लोग उपलब्ध थे, SPCT भी थे। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है और फिर हम लोग एक जो अभियान पूरे जनपद में खास करके गोरखपुर में एक अच्छी दिशा पकड़ लिया है। त्रिनेत्र के तहत करीब लगातार प्रतिदिन कैमरा हर चौराहों पर लगते चले जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र और शहर क्षेत्र मिला के करीब 450 से ऊपर चौराहे चिन्हित हो चुके हैं, जहां हमारी कार्ययोजना लागू भी हो चुकी है और करीब 125 के आसपास चौराहों के आसपास हम पहुंच चुके हैं जहां ये लग भी चुके हैं कैमरा। तो अब वो उसको किस प्रकार तेज़ी पकड़ाई जाए, दिशा दी जाए, इसी विचार पर विचार विमर्श हो रहा है और हम लोग लगातार लगे रहेंगे, इस दिशा में काम करते रहेंगे।